दूर कहीं जंगल में एक टूनी चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी के साथ रहती थी। टूनी सेब की खेती करती थी और उन सेब को बाजार में बेचती थी और उन सेबों को बेचकर अपने घर का गुजारा करती थी। लेकिन उसकी कमाई ज़्यादा बढ़िया नहीं हो पाती थी। कमाई ज़्यादा बढ़िया ना होने की वजह से टूनी बहुत परेशान रहती थी। एक दिन टूनी सेब बेचकर अपने घर वापस आती है, तब टूनी की बेटी टुनटुनी टूनी से बोलती है, माँ आप इतनी परेशान क्यों रहती हो, क्या हुआ है? तब टूनी टुनटुनी को अपनी समस्या नहीं बताती। वह सोचती है, अगर मैं टुनटुनी को सारी बात बताऊंगी तो टुनटुनी परेशान हो जाएगी। तब टूनी बोलती है, कुछ नहीं हुआ है बेटा, आज मैं बहुत थक गई हूँ और कोई बात नहीं है। तब टुनटुनी सोचती है, माँ मुझसे कुछ तो छुपा रही है, मुझे अपनी कसम देकर माँ से पूछना होगा। तब टुनटुनी टूनी से बोलती है, माँ आपको मेरी कसम है, सच बताइए क्या बात है? तब टूनी टुनटुनी से बोलती है, बेटी मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ लेकिन मेरी ज्यादा कमाई नहीं हो पाती और इतनी कम कमाई से हमारे घर का खर्चा भी नहीं चल पाता। तब टुनटुनी बोलती है, माँ आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तब टूनी टुनटुनी से बोलती है, बेटी तू एक काम कर, घर में थोड़े सेब रखे होंगे, तू उनका एप्पल जूस बना कर मुझे दे दे, आज मेरा एप्पल जूस पीने का मन कर रहा है। तब टुनटुनी बोलती है, ठीक है माँ मैं अभी एप्पल जूस बनाकर लाती हूँ। तब टुनटुनी एप्पल जूस बनाती है और टूनी को लाकर देती है। टूनी एप्पल जूस पीकर बोलती है, बेटी तूने एप्पल जूस तो बहुत बढ़िया बनाया है, बहुत ही टेस्टी बना है। तब टुनटुनी खुद भी एप्पल जूस पीकर देखती है तो उसे भी वह एप्पल जूस बहुत ज्यादा पसंद आता है। तब टुनटुनी सोचती है, क्यों ना मैं एप्पल जूस बनाकर बेचना शुरू कर दूं, इससे हमारी कमाई और भी बढ़िया होने लगेगी। तब वह टूनी को यह बात बताती है जिससे टूनी भी बहुत खुश हो जाती है और बोलती है, ठीक है बेटी तू एप्पल जूस बनाकर बेचना शुरू कर दे। तब अगले दिन जहाँ टूनी से बेचती थी उसी के पड़ोस में टुनटुनी एप्पल जूस बेचना शुरू कर देती है। तब टूनी एप्पल बेचती है और टुनटुनी एप्पल जूस बेचती है। टुनटुनी बोलती है, आओ सब ताजा ताजा एप्पल जूस पियो और तरोताजा हो जाओ, आओ आओ। तब टुनटुनी की आवाज सुनकर कुछ पक्षी टुनटुनी से एप्पल जूस पीने के लिए आते हैं और बोलते हैं, हमें एक एक गिलास एप्पल जूस देना। सभी पक्षी उससे एप्पल जूस मांगते हैं और टुनटुनी सबको एप्पल जूस दे देती है और पक्षी एप्पल जूस पीकर टुनटुनी की बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं। एक पक्षी टुनटुनी से पूछती है, तुम्हारे एप्पल का जूस बहुत टेस्टी है, इतने अच्छे एप्पल तुम कहाँ से लाती हो? तब टुनटुनी बोलती है, ये एप्पल मेरी माँ अपने खेत में उगाती है और मेरी माँ एप्पल बेचती है और मैं एप्पल का जूस बेचती हूँ, देखो मेरी माँ सामने ही है। तब वह पक्षी टुनटुनी की माँ टूनी से एप्पल खरीदती है। उस दिन टूनी और टुनटुनी दोनों की ही बढ़िया कमाई हुई। धीरे धीरे उनकी और भी बढ़िया कमाई होने लगी जिससे वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं। तब वह दोनों खुशी खुशी घर वापस आती हैं। तब टुनटुनी अपनी माँ टूनी से बोलती है, माँ अब तो आप खुश है ना, हमारी कमाई बढ़िया होने लगी है। तब टूनी बोलती है, हाँ बेटी ये सब तेरी वजह से ही हुआ है। तब टुनटुनी बोलती है, माँ मेरी वजह से नहीं आपकी वजह से, अगर आप इतनी मेहनत से एप्पल की खेती नहीं करती तो मैं ये एप्पल जूस नहीं बना पाती, तारीफ की हकदार मैं नहीं आप हैं। ये बात सुनकर टूनी टुनटुनी को खुशी से गले लगा लेती है और दोनों और भी ज्यादा खुशी खुशी रहने लगती हैं।